यशोमती मैया के नंदलाला। तपस्या के बाद तुम्हारे तप की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी और फिर सच्चे तपस्वी की धूप में तुम्हारी ख्याति से प्रभावित होकर महर्षि उलट तुमसे भेद करने आए। राजा भीमरथ, आपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया पर अपना अभिमान नहीं छोड़ पाए, इसीलिए मेरे आगमन पर सम्मान के साथ खड़ा होना तो दूर, मेरा अभिवादन भी नहीं किया। अभिमान तपस्वी का गुण नहीं होता है राजन, अभिमान राक्षसी गुण है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अगले जन्म में एक राक्षस के रूप में जन्म लेंगे, एक राक्षस के रूप में जन्म लेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया है। मैं तो यहाँ पर शांति की खोज में आया था, अपने भीतर के संसार में गहरे सोच विचार में डूबा हुआ था मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपनी भूल का आभास प्रायश्चित की ओर पहला पग होता है। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु आपको एक वचन अवश्य दे सकता हूँ। जब भी प्रभु नारायण का अवतार होगा, आपको उचित समय पर वो वरदान देंगे जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे पता चल गया है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूं, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मुझे वो शांति प्रदान कीजिए जिसकी खोज में मैं वर्षों से भटक रहा हूँ। शांति तो मोक्ष में ही है, इसीलिए मैं तुम्हें मोक्ष का वरदान देता हूँ। प्रभु की ये लीला सदैव स्मरण रखी जाएगी। इस स्थान को इनका आशीर्वाद मिलेगा और इस कंदरा को व्योमासुर की कंदरा के रूप में पहचाना जाएगा। भविष्य में अनेक ऋषि मुनियों की शरण स्थली बनेगी ये कंदरा। जी, ये कोई साधारण बालक ना है। ऐसा चमत्कार कोई साधारण बालक थोड़ी ना कर सकते है। तुम सत्य कह रहे थे बलराम, गाना सच्चे में भगवान ही है। तभी तो सब देवता इसे बसाने और इसकी ओर से युद्ध करने आते हैं। तुम सब ऐसे आंखें फाड़ के तू देख रहे हो मुझे? बलराम, तुम बलवान हो और गाना भगवान है। दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे रहा है, ना जाने किस हाल में होंगे बालक। कहीं हम ही तो मार्ग ना भटक गए शीघ्रता के चक्कर में।
अब तो एक पग भी ना चलो जा रहे हो। जल, किसी के पास जल है क्या? कंठ तो मेरा भी सूख रहा है मौसी। भाभी, निकट ही जमुना जी है, कहूँ तो वहाँ से जल ले आओ। मैं भी जा रही हूँ भाभी, एक से भले दो। हाँ चल, शीघ्रता से आओ। हाँ। जानकी, जानकी, क्या होगा इसे? देखो ना जी, अब छलिया की सूचना मिलते ही हम सब बालकों को ढूंढने चली गई, और ढूंढते ढूंढते सबको बहुत प्यास लगी आई जी, तो जानकी जमुना जी की नदी से जल लेने गई, और इसने जमुना जी का पानी पिया और उसकी उसकी जे दशा हो गई। बालक कहाँ है? वो ठीक तो है ना? ऊपर ऊपर से सब ठीक है, पर भीतर से बहुत भयभीत है सब। जानकी तो बिल्कुल नीली पड़ गई है, लग तो है विष फैल गया है इसको पूरे तन में। मथुरा के सर्वश्रेष्ठ विदेह जी को बुलाए गए हैं उसके उपचार के लिए। जैसे ही इसने जल को मुंह से लगाया जे गिर पड़ी, चटपटाने का अवसर भी ना मिलो। हाँ वैद्य जी, और निकटी मृत पशु भी पड़े हुए थे। हाँ मैंने भी अस्थियां देखी थी। इसका तो यही अर्थ हो सकता है कि समस्या वहां के जल में ही हो। वैद्य जी, आप रोगी की नाड़ी पे ध्यान दो ना, जे गोपिया क्या कह रही है उसे सुनने की आवश्यकता ना है। जब तक विष के कारण का पता नहीं चल जाता हम उपचार कैसे कर सकते हैं रानी जी? वैद्य जी, वो निकट ही यमुना जी में एक विशेष क्षेत्र है, जे सब उसी के जल की बात कर रहे हैं। तब तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी विषैले सर्प के काटने का प्रभाव हो। पर सर्प के काटने का चिन्ह ना है उसके तन पे। सर्प जब काटतो है तब उसके दांत के चिन्ह बन जाते हैं, मुझे पता है, बड़े बड़े सर्प को काटते हुए देखो है मैंने। एक दिन अब बस कर उज्जवल, जे बड़ी बड़ी हाँकने का समय ना है। पर यदि सर्प ने ना काटो है फिर जानकी की ये दशा किसने की? अवश्य किसी राक्षस ने की होगी। नाना, कोई विषैला पशु भी तो हो सकता है, या अवश्य किसी मां विषैले सर्प के विष से हुआ है। सर्प ने भले ना काटा हो लेकिन ये अवश्य ही किसी महाविषैले सर्प के विष के कारण हुआ है। कालियानाग, कालियानाग, संकेतों से तो ऐसा लगता है कि जानकी ने कालियानाग के क्षेत्र के विशाल जल पी लियो है। कालियानाग एक लोक श्रुति है, कल्पना में गढ़ी हुई एक कथा, और कछु ना है। हमें जाके पता लगाना पड़ेगा। पर हमें वहां जाने से मना किया है ना बड़ो ने? उज्जवल सही कह रहे हो है, इस समय जानकी के स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण और कछु ना है। जानकी हमारे लिए ही जल लाने गई थी जी, ना मैं उसे जाने देती ना जैसा बोल। तो वैद्य जी आप शीघ्र कछु करो, कैसे भी कछु भी करो, पर इसके प्राण बचा लो। यशोदा धैर्य रखो, श्री नारायण पर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगे।
विष की काट की मेरे पास जितनी जड़ी बूटी थी मैंने सब अर्क बना के पिला दी, पर इसकी दशा में अभी तक कोई सुधार नहीं दिख रहा है। ये अंतिम जड़ी बूटी है, अगर इससे भी चमत्कार नहीं हुआ तो फिर जो नारायण की इच्छा। पर कोई तो उपाय होगा जानकी को बचाने का। कान्हा, यदि तुझे किसी औषधि के बारे में पता है हमें बता दे, हम जाके ले आएंगे। हे नारायण, हे प्रभु, मेरी जानकी के प्राण बचा ले प्रभु, ना तो मैं अपने आप को कभी क्षमा न कर पाऊंगी। ये सारी मेरे ही कारण मनाई थी, उसकी रक्षा करो प्रभु, मेरी पुकार सुनो। काना, तूने हमें वक्तासुर से बचाया था ना, और वक्तासुर से भी तो, और छलिया से भी तो तूने ही बचाया था ना हमें। क्या ऐसा कोई उपाय ना है जानकी को बचाने का? धनवंतरी, मैं आ गया हूं प्रभु, चिंता मत कीजिए, आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। यशोदा मैया, मैया आपको कोई पुकार रहा है? चिंता मत करो मैया, अब धनवंतरी जी आ गए हैं और सब संभाल लेंगे। धनवंतरी जी कौन है? जिन्होंने संसार का आयुर्वेद दिया, आरोग्य के देवता, वे श्री नारायण के अवतार। मुझे पता चला है कि आपको वेद की आवश्यकता है। हाँ हाँ, भीतर आइए 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 बैठे जी। जी रहे। मथुरा का सर्वश्रेष्ठ वैद्य अर्थात मैं यहाँ आ चुका हूँ और रोगी को जितनी औषधि की आवश्यकता थी सब दे चुका हूँ। निश्चित रूप से आपने विष की काट के लिए बहुत ही उत्तम अर्क तैयार किया है, इसीलिए किसी और वैद्य की आवश्यकता नहीं है। किंतु आप अकेले कितना कुछ करेंगे वैद्यराज, मुझे अपना सहायक ही बना लीजिए। पर जो करना था मैं पहले ही कर चुका हूं। हाँ, वो तो आप कर चुके हैं, बस रोगी के तन से विष निकालना शेष है ना वैद्यराज? हाँ हाँ, बस वही शेष है। इनके रक्त को विष रहित करने में मैं आपकी सहायता करूंगा। पहले ये संजीवनी मानी जाने वाली इन लाल फूलों की बूटी को भी घिसना है ना? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, इसे अच्छे से घिसो। और ये नीले फूलों को भी तो मिलाना है ना? हाँ हाँ, अच्छे सहायक बन सकते हो तुम, ऐसे ही श्रम करते रहो।
लड़की स्वस्थ तो हो जाएगी ना धन्वंतरी जी। धन्वंतरी, प्रभु अब मैं क्या करूं, आपने तो स्वयं ही मेरी पहचान उजागर कर दी। जे क्या करो कान्हा, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? मैया कहती है ना, सभी वैद्य धन्वंतरी जी का ही रूप होते हैं। वाह कृष्णा, चतुर तो हो तुम। वैसे वास्तविक धन्वंतरी मैं हूँ, मेरा अर्थ है वास्तविक वैद्य मैं हूँ। ये तो मेरा सहायक है, मुझे पूरा विश्वास है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसे ही थोड़े ना मुझे मथुरा का सर्वश्रेष्ठ वैद्य कहते हैं लोग। जसोदा भाभी, जसोदा जी, जानकी को चेतना आ गई। जानकी, 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 तू ठीक है ना? क्षमा करना भाभी, मैं आपके लिए जल ना ला पाई, बस बहुत भूख लगी है। मैं अभी कुछ लाती हूँ। जानकी माखन खाओगी? आजा तू ही खिला दे लल्ला। सब मेरे लल्ला को माखन चोर कहती हो ना, आज देखो अपना ही माखन जानकी को खिला रहे हो। थोड़ा और विश्राम कर लो। सदैव तुम हम सबकी सेवा करती हो, आज मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। जानकी की जीत ऐसा तब हुई जब जय यशोदा काकी की सेवा कर रही थी, और अब देखो स्वयं भगवान ही इसकी सेवा कर रहे हैं। जानते हो इससे क्या सिद्ध होता है? जो भी यशोदा मैया की पूजा करेगा, अर्थात अपने माता पिता की सेवा करेगा, उनके साथ सम्मान से व्यवहार करेगा, ईश्वर स्वयं उसका ध्यान रखेंगे। कभी धन्वंतरी के रूप में तो कभी स्वयं कान्हा के रूप में। भक्त और भगवान का देखो कैसा ये अनुराग, स्वयं करे सेवा प्रभु, अद्भुत गोपी का भाग्य। प्रभु इन सब पृथ्वीवासियों से कितना घुल मिल गए, ना तो ये प्रभु को भगवान मानते हैं और ना ही प्रभु अपने आप को इनसे सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। अपने आचरण से ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये सभी में हैं और सभी इनका ही अंश है। प्रभु अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कान्हा का जन्म हुआ है ना, मैं तब से देख रही हूँ, तब से हम पे कोई भी संकट आती है ना,
तो अचानक से कोई अपरिचित हमारी सहायता करने आ जाता है और जाते समय कान्हा की आज्ञा लेके जाता है और कभी कभी तो इसे प्रभु बोल के जाता है। बाबा संभालो,